Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to lecture number 8. In this lecture, we will cover chapter 4, Influencing Power, Politics, Networking and Negotiation. In fact, we will cover chapter 2 in two lectures. In today's lecture, we will discuss about the influencing power, politics and networking. And then remainder topics will be covered in next lecture. Before going to discuss in detail the learning objectives of the today lecture, I would like to recap the previous lectures, lecture number 6 and 7, in which we discussed the motivation concept. Motivation is a most important task of any leader. जैसे कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि किसी भी लीडर के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो उसकी मोटिवेशनल जो स्किल्स होते हैं वो होते हैं. उसका लीडर का काम होता है कि एम्प्लॉइज को अपने फॉलोअर्स को मोटिवेट करे. मोटिवेट करके वो बेसिकली उनको जो है उनकी कमिटमेंट, उनकी हार्ड वर्किंग और उनके ताकि वो मेहनत से काम करें और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जा सकें. सो मोटिवेशन के बगैर कोई भी अगर फॉलोअर्स मोटिवेट नहीं होते किसी लीडर से या मैनेजर से, मींस वो लीडर नहीं है. लीडर वही है जो किसी को मोटिवेट कर सकता है. मोटिवेट का मकसद ये होता है कि इन्फ्लुएंस करे बिहेवियर को, डिजायर्ड बिहेवियर, ताकि वो जो है परफॉर्म करें एम्प्लॉय, ताकि वो जो डिजायर्ड जो बिहेवियर्स हैं वो परफॉर्मेंस में ट्रांसलेट हो. इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, गोल अचीव करेंगे तो अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन भी सक्सेस अचीव करेगी. सो मोटिवेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन लीडरशिप डेफिनेशन. जैसे कि हमने लीडरशिप की डेफिनेशन में देखा, उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो एक लीडरशिप का मोटिवेट करना. इस मोटिवेशन के थ्रू वो बिहेवियर को चेंज करता है और ताकि एम्प्लॉयज जब मोटिवेट होते हैं वो कमिटेड होते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलती है. ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है. इन दिस पर्सपेक्टिव वी डिस्कस द डिफरेंट मोटिवेशन थ्योरीज. कंटेंट मोटिवेशन थ्योरी की हमने बात की, इसमें हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी की हमने बात की थी, उसके बाद टू फैक्टर एंड एक्वायर नीड्स थ्योरी की बात की थी. बेसिकली जो कंटेंट मोटिवेशन थ्योरी होती है डियर स्टूडेंट्स, उसका मकसद ये होता है कि आइडेंटिफाई करे, या जो इसका मेन जो है क्रक्स या जो है पर्पस है कंटेंट मोटिवेशन का, वो ये था कि व्हाट मोटिवेट्स इंडिविजुअल्स, कि आइडेंटिफाई करे क्या चीजें जो है इंडिविजुअल को मोटिवेट करती हैं. तो इसमें हायरार्की ऑफ नीड में जो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी है वो बड़ी फेमस थ्योरी है. इसमें जो है 5 लेयर्स हैं, लेवल्स हैं जो नीड्स के, जिसको डिफाइन किया है मैस्लो ने और कहा है कि ये जो ब्लो लेवल होती हैं ये फर्स्ट इनको मीट करना होता है. किसी शख्स की अगर ब्लो लेवल नीड्स अगर नहीं पूरी हुई हुई तो अगर उसको अपर लेवल पे जाएंगे तो वो कभी भी मोटिवेट नहीं होगा. तो मेन आइडिया इज दैट यू फर्स्ट यू हैव टू फुलफिल द बेसिक नीड्स बिलो योर लोअर लेवल नीड्स, जिसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स भी आती हैं, सेफ्टी नीड्स भी आती हैं. और अगर ये पूरी हो जाए, किसी की जैसे बेसिक ख्वाहिशात है, खाना खाना है उसने, उसने उसके बच्चे हैं, उसके उनके खर्चे हैं, अखराजात हैं, घर है, तालीम के खर्चे हैं, तो ये बेसिक उसकी सबसे पहले फूड, शेल्टर और ये उसकी बेसिक नीड्स हैं जो पूरी होनी चाहिए. अगर किसी शख्स की वो नीड्स नहीं पूरी हुई हुई और उसे अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ लेके जाए और या उसकी वो नीड फुलफिल करने की कोशिश करें तो वो कभी भी मोटिवेट नहीं होगा, क्योंकि उसकी बेसिक लेवल नीड्स अभी तक फुलफिल नहीं हुई. इसी तरह इंसान जब बेसिक लेवल नीड्स को फुलफिल कर लेता है तो उसके बाद उसकी ख्वाहिश होती है कि जैसे सोशल सेफ्टी नीड्स उसकी पूरी हो गई, जॉब सिक्योरिटी है, उसको जो है अच्छी सैलरी मिल रही है, फूड है, शेल्टर है, तो वो सोशल नीड की तरफ जाएगा. वो जाएगा कि माशरे में मेरे दोस्त हो, मेरा फ्रेंडशिप्स हो, मेरा नेटवर्क हो. इसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता उस लैडर की तरफ जाता है, पैरामिड में ऊपर वाली जो नीड्स है उसकी तरफ जाता है. तो इस तरह जो है इंडिविजुअल्स जो है डिफरेंट स्टेजेस पे होते हैं. अब ये लीडर का काम है कि आइडेंटिफाई करे कौन सा इंडिविजुअल इस वक्त उसकी क्या नीड है, किस लेवल पे है. तो हर इंडिविजुअल की अपनी जो नीड्स होती हैं, जो सेटिस्फाइड हो चुकी होती हैं उसके लिए, वो उसके लिए मोटिवेशन फैक्टर नहीं होता. डेफिनेटली जो चीज़ नहीं होती वो उसी की
तगो दो में इंसान कोशिश करता है और मोटिवेट कर होता है उसको हासिल करने के लिए। लिहाजा जो चीज़ मौजूद है अगर वो मुझे कोई अश्योरेंस दे कि आपको ये चीज़ मिलेगी तो मैं मोटिवेट नहीं होऊंगा क्योंकि मेरे पास वो चीज़ अवेलेबल है। अगर मेरे लिए कोई मोटिवेशन हो कि जॉब सिक्योरिटी मिलेगी तो वो मेरे लिए, अगर जॉब सिक्योरिटी ऑलरेडी अवेलेबल है, सैलरी भी अच्छी है, तो मेरे लिए मे भी मोटिवेशन ना हो, मैं उस स्टेज से बाहर आ गया हूँ। अब मेरी जो नीड होगी कि ऑर्गेनाइजेशन में मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिले कि मेरा नेटवर्क हो, मेरा एक लिंक हो, मेरी फ्रेंडशिप हो, माशरे में इज्जत हो, स्टेटस हो, तो इस तरह ऊपर की तरफ जो है इंडिविजुअल जाता है। तो बेसिक ये कि इसका जो बेसिक आइडिया है मोटिवेशन थ्योरी का, मेज़लो हायरार्की ऑफ नीड का, कि इंसान के पास जो चीज़ नहीं होती वो उसको हासिल करने के लिए सबसे पहले तगोदो करता है, और उसी चीज़ को अगर प्रोवाइड किया जाए या अश्योरेंस दी जाए जॉब में उसे वो चीज़ प्रोवाइड की जाए तो मींस वो मोटिवेट होगा और इस तरह वो ऊपर की तरफ जाता है। जैसे जैसे उसकी वो नीड्स, बेसिक लेवल नीड्स पूरी होती हैं, वो ऊपर की तरफ जाता है, उसकी फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ इस्टीम की नीड्स भी आती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमने डिस्कस किया टू फैक्टर थ्योरी को। इसमें हर्सबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी थी, इसमें हमने देखा कि एक मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं, एक हाइजीन फैक्टर होते हैं। ये जो है हर्सबर्ग कहते हैं कि मोटिवेशनल फैक्टर जो होते हैं जो एक्चुअली जो है किसी इंडिविजुअल को मोटिवेट करते हैं, अगर ये मिले किसी को तो वो इंडिविजुअल जो है वो सेटिस्फाइड होगा। अगर वो मोटिवेशन फैक्टर नहीं होंगे तो वो सेटिस्फाइड नहीं होगा अपनी जॉब से। मगर जो हाइजीन फैक्टर्स हैं वो बेसिकली होता है इंसान की या इंडिविजुअल की डिससेटिस्फेक्शन से रिलेट करती हैं। अगर किसी को हाइजीन फैक्टर नहीं दिए गए, मेंटेनेंस फैक्टर्स होते हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ हाइजीन फैक्टर वो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। अगर हाइजीन फैक्टर उसे मिल जाए जॉब में, या उसे लीडर या मैनेजर हाइजीन फैक्टर प्रोवाइड कर रहा है, तो दिस मीन्स वो डिससेटिस्फाइड नहीं है, नॉट डिससेटिस्फाइड है, इस वक्त वो डिससेटिस्फेक्शन में नहीं है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि डिससेटिस्फेक्शन नहीं है उसकी, तो वो सेटिस्फाइड भी है। सेटिस्फेक्शन के लिए जो है मोटिवेटिंग फैक्टर्स होने चाहिए, मोटिवेटर्स होने चाहिए। तो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ टू फैक्टर थ्योरी। एक्वायर्ड नीड थ्योरी की बात की, ये भी जो है इंसान जो इंडिविजुअल की तीन तरह की नीड्स होती हैं डियर स्टूडेंट्स, नीड फॉर एफिलेशन होती है, नीड फॉर अचीवमेंट होती है और नीड फॉर पावर होती है। ये मैक्लेलैंड की जो थ्योरी थी इसमें उसने आइडेंटिफाई किया। बेसिकली तीन तरह की नीड्स हैं जिसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं इन पावर नीड, एफिलेशन नीड और अचीवमेंट नीड। तो जो बेसिकली उसने रिसर्च की, उसने देखा, उसने बेस्ड ऑन एविडेंस ये नोट किया कि जो नीड फॉर पावर जिन लोगों में ज्यादा थी वो बेसिकली इफेक्टिव लीडर थे। मगर पावर को मिसयूज भी किया जाता है, पर्सनल पावर की बात नहीं हो रही, सोशलाइज्ड पावर की बात हो रही है इन लीडरशिप कॉन्टेक्स्ट या इफेक्टिव लीडरशिप कॉन्टेक्स्ट। तो जिस लीडर में जो नीड फॉर पावर होती है, डिजायर फॉर पावर ज्यादा होती है इंस्टेड ऑफ नीड फॉर एफिलेशन या नीड फॉर अचीवमेंट, मौजूद होती है, लेवल होता है जिसमें जितनी नीड फॉर पावर ज्यादा होगी उसकी नीड फॉर एफिलेशन डियर स्टूडेंट्स कम होती जाएगी। तो ये डिग्री है, जिसमें नीड फॉर पावर ज्यादा होती है वो इफेक्टिव लीडर होते हैं, और इंटरेस्टिंगली जिसमें नीड फॉर एफिलेशन ज्यादा होती है वो चाहते हैं कि, कुछ लीडर का स्टाइल है ये होता है कि वो चाहते हैं कि लोग उन्हें पसंद करें, उन्हें लाइक करें, उनसे प्यार करें। वो लोग जो होते हैं वो इफेक्टिव लीडर नहीं है ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में। तो इसके इट इज बेस्ड और बैक्ड बाय द रिसर्च एविडेंसेस। रीजन डियर स्टूडेंट्स इसका ये है, जब कोई लीडर नीड फॉर एफिलेशन की तरफ ज्यादा जाता है इस मीन उसकी नीड फॉर पावर कम होती है, पावर एक्सरसाइज कम करता है और ज्यादा वो चाहता है कि फ्लेक्सिबिलिटी दे लोगों को और जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो है उनके साथ सिंपैथी करे, उनकी जो है कंसीडरेशन करे, उनके उनके जो इमोशंस को देखे, उनकी फीलिंग्स को सेंस करे, उनका ख्याल रखे। तो ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, डिसिप्लिन्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट जो नीड फॉर एफिलेशन जब ज्यादा एक्सरसाइज करता है कोई लीडर, तो इसका मकसद ये है कि वो ज्यादा जो है रूल या पॉलिसी से ज्यादा एम्प्लॉय के रिलेटेड इश्यूज को ज्यादा कंसीडर करता है और इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है।
तो इंडिविजुअल की जब वो नीड फॉर एफिलिएशन की तरफ ज्यादा वो फोकस करता है कि वो लोग उनसे उससे प्यार करें, वो ज्यादा कंसिडरेट होता है, तो उस सेंस में जब कोई रूल ब्रेक भी करता है या किसी पॉलिसी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता तो मींस उसको वो पनिश नहीं करता या उसको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जैसे कोई वक्त पे नहीं आ रहा, उसको वो अगर कोई बहाने करता है और वो कहता है नहीं ठीक है चलें कोई बात नहीं आप नहीं आए तो नेक्स्ट टाइम आ जाइएगा, या कोई छुट्टी करता है तो चलें प्रॉब्लम बताता है तो कहता है चलें ठीक है कोई बात नहीं आपने तो छुट्टी की तो नेक्स्ट टाइम एहतियात कीजिएगा, और इस तरह ज्यादा कंसिडरेट करता है। तो जो लोग रेगुलर होते हैं, पंक्चुअल होते हैं, जो हार्ड वर्किंग होते हैं, जो मेहनत कर रहे होते हैं, वो डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनके लिए फिर एक मोटिवेशन नहीं रहती। वो कहते हैं कि जो लोग नहीं काम कर रहे वो एंजॉय कर रहे हैं, उनको भी वो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, फैसिलिटीज एंजॉय कर रहे हैं और काम भी कम करते हैं, ना उनको कोई पनिशमेंट होती है ना उनको डांटा जाता है, तो मींस जो लोग मेहनत कर रहे होते हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। इस वजह से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इन प्रिंसिपल उनको जो है इम्प्लीमेंट करवाना लीडर का भी काम होता है। कंसिडरेट होना, कंसिडरेशन करना एम्प्लॉयज की, पीपल की अच्छी बात है, मगर एक लिमिट में जहां रूल्स एंड रेगुलेशंस हो उनको भी देखना होता है, क्योंकि अगर रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो, ये बेसिकली गाइडलाइंस होते हैं जो प्रोवाइड किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टू चैनलाइज और डायरेक्ट दी इंडिविजुअल बिहेवियर्स और वे ऑफ वर्किंग। अगर इन पे कंप्रोमाइज कर दिया जाए तो जो लोग अच्छा काम करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस या पॉलिसीज को फॉलो करें, उनके लिए मोटिवेशन नहीं रहती, बल्कि रादर के वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। इस वजह से जो नीड फॉर एफिलिएशन जिनकी ज्यादा होती है लीडर्स की, वो इफेक्टिव लीडर नहीं होते। तो ये डिग्री है, तीनों नीड्स मौजूद होती हैं, मगर किसी में नीड फॉर पावर ज्यादा होती है तो नीड फॉर एफिलिएशन कम होती है, किसी में नीड फॉर एफिलिएशन ज्यादा होगी तो उनमें जो नीड फॉर जो पावर है वो कम हो जाएगी। इसी तरह नीड फॉर अचीवमेंट जो होते हैं वो अच्छे टीम लीडर नहीं होते, वो बेसिकली कोशिश करते हैं कि जो सारा क्रेडिट है वो उनको मिले, वो टास्क ओरिएंटेड होते हैं, वो एट टाइम पीपल की जो इंडिविजुअल्स हैं उनको कंसीडर नहीं करते, उनके इमोशंस और फीलिंग्स को भी नहीं कंसीडर करते। दैट्स वाई नीड फॉर जो अचीवमेंट है वो भी बहुत ज्यादा होना किसी लीडर के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि वो फिर पर्सनल उसके एजेंडा या इंटरेस्ट में सोचता है, अपनी अचीवमेंट के बारे में सोचता है या टास्क जो है फोकस्ड हो जाता है। इस वजह से डियर स्टूडेंट्स जो नीड फॉर अचीवमेंट जिसमें ज्यादा होती है वो टास्क ओरिएंटेड होता है, वो फोकस्ड होता है कि टास्क अचीव हो, गोल पे बहुत ज्यादा फोकस करता है, टारगेट्स डेडलाइन, और उसे कोई परवाह नहीं होती कि इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं, उनके क्या फीलिंग्स हैं, उनको क्या रिलैक्सेशन चाहिए, उनकी क्या जरूरत है, वो सिर्फ काम 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 की तरफ फोकस करते हैं, तो वो भी एक अच्छे लीडर नहीं होते। तो बैलेंस होना चाहिए, और रिसर्च जो बैक करती है, एविडेंस बैक करते हैं वो ये कि जिसमें नीड फॉर पावर ज्यादा होगी मगर पर्सनल पावर नहीं, सोशलाइज पावर, वो इफेक्टिव लीडर होते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये थी कॉन्टेंट मोटिवेशन थ्योरीज, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थ्योरीज। देन प्रोसेस मोटिवेशन थ्योरीज की बात की थी हमने, बेसिकली डिफरेंस क्या है कॉन्टेंट और मोटिवेशन में, डिफरेंस ये है प्रोसेस बेसिकली जो है वो फोकस करता है व्हाट इज द प्रोसीजर और प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, जबकि कॉन्टेंट है व्हाट मोटिवेट्स द इंडिविजुअल। ये प्रोसेस की तरफ फोकस करते हैं प्रोसेस मोटिवेशन, और कॉन्टेंट मोटिवेशन जो है वो बेसिकली मोटिवेटिंग फैक्टर्स की तरफ फोकस करता है कि क्या चीजें मोटिवेट करती हैं इंडिविजुअल को। इसमें हमने इक्विटी थ्योरी डिस्कस की थी। इक्विटी थ्योरी है कि इंडिविजुअल जो है अपनी इनपुट या कंट्रीब्यूशन को कंपेयर करता है दूसरों की इनपुट के साथ या कंट्रीब्यूशन के साथ, और अपने आउटकम जो उसको इनपुट और कंट्रीब्यूशन देने के बाद मिला है उसको कंपेयर करता है दूसरों के आउटकम या जो है उसके एंड रिजल्ट्स के साथ। अगर वो फील करे कि ये इक्विटेबल है, इक्वल है, तो वो सेटिस्फाइड होगा। ये कंपैरिजन वो करता रहता है, ये बेसिकली परसेप्शन बेस्ड होती है, उसकी परसेप्शन होती है। ये अपने कुलीग्स के साथ भी कर सकता है या डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं उसके साथ कर सकता है। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग मैनेजर जो है, मार्केटिंग मैनेजर जो है वो फाइनेंस वाले मैनेजर के साथ कर सकता है कि यार एक तरह का हम जो है सिमिलर वर्किंग आवर्स दे रहे हैं, मेहनत बल्कि मैं ज्यादा कर रहा हूं, मगर फाइनेंस मैनेजर की ज्यादा पे होगी तो वो डिसेटिस्फाइड हो जाएगा। इसी तरह वो मार्केटिंग मैनेजर हैं तो वो किसी और कंपनी में कंपेटिटिव या कंपेटिटर कंपनी है उसमें जो मार्केटिंग मैनेजर है उसकी सैलरी या उसके इनपुट के साथ अपनी इनपुट और आउटपुट को कंपेयर करेगा। तो मैनेजर का काम है बेसिकली
कि जो रिवॉर्ड सिस्टम जब इस्टेब्लिश करे डेवलप करे तो इसमें इक्विटी रखनी चाहिए, देखना चाहिए किस जॉब में कितनी इनपुट हैं, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, कितनी एफर्ट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उसे कंपनसेट करना चाहिए। एक्सपेक्टेंसी क्या है कि जो इंडिविजुअल है बेसिकली जो उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि ये बिहेवियर होगा तो ये कंसिक्वेंस ये रिवॉर्ड मुझे मिलेगा, अगर वो उसकी एक्सपेक्टेशंस है कि ये काम करके मुझे जो रिवॉर्ड मिलेगा वो वर्दी है, उसके लिए वैल्यूबल है, तो वो बिहेवियर करेगा ताकि उसके कॉन्सिक्वेंसेज पॉजिटिव हों, जो जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहा है उसको वो रिवॉर्ड मिले। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है कि वो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है, तो बेसिकली जो है रिवॉर्ड ऐसे होने चाहिए जो वैल्यू भी करें इंडिविजुअल। तो हर एक के जो है कॉन्सिक्वेंसेज या रिवॉर्ड इस तरह होने चाहिए इंडिविजुअल को देखते हुए कि उसके लिए एक वो ताकि एक मोटिवेशन हो, वो डिजायर्ड बिहेवियर या परफॉर्मेंस शो करे तो उसे पता हो कि ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं या जो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा ये मेरे लिए वर्दी है या वैल्यूबल है। जब डिजायर्ड बिहेवियर या परफॉर्मेंस के जो रिवॉर्ड हैं या कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो वैल्यूबल नहीं है किसी इंडिविजुअल के लिए तो वो मोटिवेट भी नहीं होगा। उसके बाद गोल सेटिंग थ्योरी है कि जब इंडिविजुअल के गोल सेट किए जाते हैं, एम्प्लॉयज के गोल सेट किए जाते हैं, इसमें लीडरशिप का रोल है कि वो गोल्स मिलके सेट करे इंडिविजुअल या एम्प्लॉय के साथ अपने फॉलोअर्स के साथ, जब वो सेट करता है तो उसके बाद उसे वो कंसल्टेशन के साथ सेट होते हैं, उसके बाद उसे वो डायरेक्शन देता है, उससे फिर वो नेसेसरी जो लॉजिस्टिक हैं, फैसिलिटीज हैं या फिजिकल जो भी उसे नीड्स हैं, इक्विपमेंट चाहिए, वो उसे प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन देता है, फीडबैक देता है। और जब गोल सेट किए जाते हैं इंडिविजुअल या एम्प्लॉय के साथ मिलके तो उसकी कमिटमेंट ज्यादा होती है, उसे पता होता है कि क्लियर कट गोल्स हैं तो और क्या मुझसे एक्सपेक्टेशंस है और मैंने कैसे अचीव करना है और किस टाइम फ्रेम में अचीव करना है। तो गोल सेट करते हुए एक ये है कि स्मार्ट होने चाहिए, सिंगुलर ऑब्जेक्टिव्स के साथ होने चाहिए, मींस मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स भी हैं तो एक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव सिंगुलर डिवीजन होनी चाहिए कि पता होना चाहिए इस ऑब्जेक्टिव का आउटकम क्या होगा, कि क्या आउटकम हो तो कंसीडर किया जाएगा ये गोल अचीव कर लिया है। इसी तरह मेजरेबल होने चाहिए कि क्वांटिटेटिव टर्म में मेजर किया जा सके कि ये गोल था तो आया अचीव हुआ या नहीं। अटेनेबल होने चाहिए कि रियलिस्टिक होने चाहिए, अचीवेबल हो विद इन दी गिवन टाइम फ्रेम और विद इन गिवन स्किल्स और कैपेबिलिटीज जो इंडिविजुअल की हैं। इसी तरह टाइम बाउंड होने चाहिए कि एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, दिया जाना चाहिए कि इस टाइम फ्रेम में आपने ये गोल अचीव करना है। विदाउट टाइम तो उसके लिए एक मोटिवेशन नहीं होगी कि किस टाइम फ्रेम में, उसे एक डेडलाइन नहीं मिलेगी तो वो मोटिवेट नहीं होगा, उसे पता नहीं लगेगा कि अगर 1000 यूनिट सेल किए हैं करने हैं, एक को टारगेट दिया गया, गोल दिया गया, मगर उसे ये ना बताया जाए सेल्समैन को कि आपके ये जो टारगेट है महीने के या साल के, तो वो कैसे मोटिवेट होगा, वो कैसे समझेगा कि उसके गोल अचीव हुए या नहीं, या जो सुपरवाइजर है कैसे उसको इवेल्युएट करेगा कि उसके गोल अचीव हुए या नहीं हुए। तो टाइम बाउंड होने चाहिए ताकि उसे प्रेशर हो, डेडलाइंस मिले उसे और उसे पता हो कि ये जो गोल है ये इतने टाइम फ्रेम में मुमकिन है और इतने टाइम फ्रेम में मैंने करना है, तो टाइम बाउंड होने चाहिए। री इन्फोर्समेंट थ्योरीज की बात की हमने डियर स्टूडेंट, इसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया था। बेसिकली री इन्फोर्समेंट थ्योरी जो फोकस करती है वो ये कि बिहेवियर और कॉन्सिक्वेंसेज के रिलेशनशिप है ना, इस पर फोकस करते हैं। अगर डिजायर्ड बिहेवियर है, एक बिहेवियर उसका जो कॉन्सिक्वेंसेज है पॉजिटिव है तो इंडिविजुअल जो है वो बिहेवियर को रिपीट करेगा। अगर किसी बिहेवियर का जो है कॉन्सिक्वेंसेज नेगेटिव है तो वो उस बिहेवियर को अवॉइड करेगा, नहीं करेगा। तो बिहेवियर, एप्रोप्रिएट बिहेवियर, डिजायर्ड बिहेवियर जो मैनेजर या लीडर चाहते हैं कि एम्प्लॉय करे, तो उसके लिए वो पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट कर सकता है, इनकरेज कर सकता है या उसके साथ एसोसिएट कर सकता है ऐसे रिवॉर्ड या कॉन्सिक्वेंसेज ताकि वो इंडिविजुअल को एक मोटिवेशन हो। उसके बाद अवॉइडेंस है कि अगर कोई बिहेवियर है तो उसके बाद इसको ये कि एक पॉजिटिव बिहेवियर को इनकरेज करने के लिए, तो जैसे अब पॉजिटिव इनकरेजमेंट होती है उसे रिवॉर्ड दिया जाता है, तो इसी तरह जो अवॉइडेंस है कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं कि कोई बंदा अगर मीटिंग पे नहीं लेट आएगा तो उसके लिए एक कहें कि उसे वार्निंग दी जाएगी। इस तरह एक तो अवॉइड करे कि वो उस नेगेटिव बिहेवियर को ना करे, अनडिजायरेबल बिहेवियर को ना करे। इसी तरह एक्सटेंशन है, पनिशमेंट है कि नेगेटिव बिहेवियर जो है, जो बिहेवियर अनडिजायरेबल है अगर वो कोई करता है तो उसे इमीडिएटली जो है
वो पनिशमेंट किया जाए, उसे कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दिए जाए ताकि वो बिहेवियर रिपीट ना करे। मगर अवॉइडेंस में ये है कि उसको एक तरह का बिट डिले करना, उसको रोकना उसके रिवॉर्ड या उसके जो कॉन्सिक्वेंस जो है, ताकि वो उस बिहेवियर को दोबारा मींस ना करे। तो पनिश बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट समझ लें। एक है कि बिहेवियर जो पॉजिटिव बिहेवियर है उसको रीइंफोर्स करना है, डिजायर्ड बिहेवियर को रीइंफोर्स करना है, एक जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है उसको रोकना है कि वो दोबारा ना करे। हमने बात की जॉब करेक्टरिस्टिक्स मॉडल की, इसमें जो फाइव डायमेंशन हमने डिस्कस की। अब ये मोटिवेशन थ्योरीज हैं, नॉलेज ऑफ दिस मोटिवेशन थ्योरी इज असेंशियल फॉर ऑल लीडर्स एंड मैनेजर्स। हर मैनेजर और लीडर के लिए जरूरी है कि इन जो है मोटिवेशन थ्योरीज को जाने। इसके बाद हमने क्या कैसे अप्लाई करना है, मोटिवेशन फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू एप्लीकेशन की बात की। तो इसमें जॉब करेक्टरिस्टिक्स मॉडल है, टास्क सिग्निफिकेंस है, टास्क आइडेंटिटी है। तो ये जो पांच डायमेंशन है बेसिकली, इसको देखते हुए किसी भी जॉब को रीडिजाइन किया जा सकता है। तो जिसमें जितनी ये जो करेक्टरिस्टिक्स हाई होंगी उतनी उसमें मोटिवेशन होगी, जॉब में जॉब की वैल्यू होगी, टास्क सिग्निफिकेंस होगी, टास्क आइडेंटिटी होगी, ऑटोनमी होगी, फीडबैक होगी, उतनी उसमें मोटिवेशनल करेक्टरिस्टिक्स होंगे उस जॉब में। फिर हमने डिफरेंट जो है ऑर्गेनाइज करना है डिफरेंट एलिमेंट्स एक जॉब के, कैसे जॉब के जो डिफरेंट टास्क है उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसे जॉब रीडिजाइनिंग कहते हैं। उसमें हमने जॉब रोटेशन की बात की कि एक जॉब से दूसरी जॉब में इंडिविजुअल को भेजा जाता है ताकि उसकी लर्निंग हो, वो स्किल्स डेवलपमेंट हो उसकी। उसके बाद हमने जॉब इनलार्जमेंट की बात की, जॉब इनरिचमेंट की बात की। तो ये तरीके हैं जॉब रीडिजाइनिंग के डिफरेंट। उसके बाद हमने वर्क अरेंजमेंट्स एंड डिस्कस किया कि कैसे फ्लेक्सिबल टाइमिंग, और इसके बाद हमने एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट की बात की कि एम्प्लॉय को अगर इन्वॉल्व किया जाए डिसीजन मेकिंग में, अगर बेनिफिट चूज करना है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए कि अकॉर्डिंग टू देयर या हिज और नीड वो अगर बेनिफिट चूज करता है तो उसके लिए वो जो है मोटिवेशनल फैक्टर होगा। क्योंकि एक ही तरह के बेनिफिट जनरलाइज नहीं किए जा सकते, सबको अप्लाई नहीं किए जा सकते। हर इंडिविजुअल की अपनी एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, जो है नीड्स होती हैं, हर कल्चर की अपनी एक नीड्स हैं, या हर कल्चर के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनकी एक परसेप्शन होती है, जरूरियात होती हैं, उनका वे ऑफ वर्किंग होता है, बिहेवियर होता है। इसी तरह इकॉनमी और सोसाइटी का इम्पैक्ट होता है। तो आजकल जो कॉन्सेप्ट है बड़ा पॉपुलर है कि फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स ऑप्शन दिए जाते हैं, कि अगर पूल ऑफ ऑप्शंस होते हैं या बेनिफिट्स होते हैं अपार्ट फ्रॉम दी सैलरी, उसे ऑप्शन दिया जाता है कि अपनी नीड के अकॉर्डिंगली वो किसी बेनिफिट को चूज करे, तो वो उसके लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है। इसमें वेरिएबल्स पे प्रोग्राम की बात की, जो परफॉर्मेंस बेस पे, मेरिट बेस पे हैं, पीस रेट वर्क है, मतलब जो जितनी एफर्ट करे, जो अच्छा परफॉर्मर हो उसे उतना ही इंक्रीमेंट दिया जाए, उसे रिवॉर्ड किया जाए, उसे बोनसेस दिए जाए। शो हाउ फ्लेक्सिबल बेनिफिट टर्न बेनिफिट इनटू मोटिवेटर्स अगेन, के जो बेनिफिट हैं फ्लेक्सिबल होंगे, जितने उसकी ग्लोबल इम्प्लीकेशन है। तो आजकल मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो है इसे जो फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स को प्रेफर करती हैं कि जो पूल ऑफ बेनिफिट्स में से इंडिविजुअल अपनी मर्जी के बेनिफिट चूज करे ताकि वो उसकी नीड को एड्रेस करेंगे तो वो मोटिवेट होगा। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लर्निंग आउटकम्स ऑफ द चैप्टर नंबर 4। तो इसमें हम आज कवर करेंगे पोजीशन वर्सेस पर्सनल पावर की बात करेंगे, डिफरेंसेस अमंग लेजिटिमेट रिवॉर्ड कोर्सिव एंड रेफरेंट पावर, पावर की डिस्कस करेंगे, इन्फ्लुएंसिंग टैक्टिक्स की बात करेंगे और डिफरेंट काइंड्स ऑफ पावर है उसकी बात करेंगे हम। रिलेशनशिप ऑफ पावर एंड पॉलिटिक्स क्या है, सिमिलर यूज ऑफ मनी एंड पॉलिटिक्स, इसी तरह स्टेप्स एंड नेटवर्किंग प्रोसेस की हम बात करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेगोशिएशन प्रोसेस को देखेंगे। फिर इसी तरह हम ओवरऑल रिलेशनशिप अमंग नेगोशिएशन कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे, इन्फ्लुएंसिंग टैक्टिक्स, पावर पॉलिटिक्स को सम अप करेंगे। व्हाट इज इन्फ्लुएंसिंग डियर स्टूडेंट, इन्फ्लुएंसिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, और वी कैन से दैट इज द एलिमेंट ऑफ द लीडरशिप डेफिनेशन। लीडर का काम बेसिकली होता है कि किसी को इन्फ्लुएंस करना, जो इंडिविजुअल किसी को इन्फ्लुएंस ना कर सके, अपने फॉलोवर्स को इन्फ्लुएंस ना कर सके, मींस वो लीडर भी नहीं है। लीडर बेसिकली फॉलोवर्स ही बनाते हैं किसी को। अगर किसी को
कोई ग्रुप ऑफ पीपल लाइक करते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, उसकी बात पे अमल करते हैं, तो मीन वो उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो जिस लीडरशिप और फॉलोवर की उसमें जो है वो मिसिंग है इन्फ्लुएंसिंग लिंक, तो वो लीडर नहीं है। सो इन्फ्लुएंसिंग इज अ मेन जो है एलिमेंट ऑफ लीडरशिप। लीडर का काम है इन्फ्लुएंस करना, तो मिसिंग लिंक अगर लीडर और फॉलोवर्स के दरमियान इन्फ्लुएंस नहीं है। अब ये इन्फ्लुएंस बोथ वे भी होता है, फॉलोवर्स भी कभी ग्रुप ऑफ पीपल भी इन्फ्लुएंस करते हैं, डोमिनेट करते हैं अपने लीडर को। इसी तरह लीडर अपनी बातों से, अपने विजन से इन्फ्लुएंस करता है फॉलोवर को। अगर इस दो एक्सट्रीम लीडर और फॉलोवर के दरमियान इन्फ्लुएंस नहीं है, इन्फ्लुएंस एलिमेंट नहीं है, तो मीन्स वो लीडरशिप नहीं है। वो मैनेजर हो सकता है मगर वो लीडर नहीं हो सकता। सो द प्रोसेस ऑफ अफेक्टिंग अदर्स एटीट्यूड एंड बिहेवियर टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। तो बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग का मकसद ये है कि बिहेवियर को अफेक्ट करना है, चेंज करना है बिहेवियर को, उनकी परसेप्शन फॉलोवर्स की या एटीट्यूड को चेंज करना है। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि लीडर फॉलोवर की जो एटीट्यूड और परसेप्शन को चेंज करता है, तो एट सम टाइम आप ये टू वे प्रोसेस है। फॉलोवर भी एटीट्यूड परसेप्शन को चेंज करता है लीडर की। बाद फॉलोवर इन्फ्लुएंस करते हैं, फिर वो लीडर उनकी बेसिस पे उनके इन्फ्लुएंस के अंदर आके अपने गोल्स चेंज करता है, अपना विजन चेंज करता है, अपने डिसीजन मेकिंग भी चेंज कर सकता है, अपना वे ऑफ स्टाइल भी चेंज कर सकता है। तो बोथ वे प्रोसेस है। मकसद क्या है? टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव, विजन अचीव करना है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने हैं, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी अचीव करनी है। अगर पॉलिटिकल है, पार्टी है, उसका लीडर है, तो पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल मोटिव है, पॉलिटिकल विजन है, उसको अचीव करना है। सो इन्फ्लुएंसिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अफेक्टिंग अदर्स एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव। तो इसमें अदर्स का लफ्ज यूज किया गया है, नॉट द के फॉलोवर्स या लीडर, बिकॉज इट्स अ बोथ वे। तो किसी के एटीट्यूड या बिहेवियर को अफेक्ट करना टू अचीव एन एंड ऑब्जेक्टिव और डिजायर रिजल्ट इज बेसिकली एन इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। सो व्हाट इज पावर? पावर इज, डियर स्टूडेंट, मोस्ट ऑफन यूज इन द नेगेटिव सेंस, इज अ नेगेटिव कनोटेशन। ये पावर के साथ एफिलिएट की जाती है नेगेटिव कनोटेशन की, इट्स नॉट गुड, पावर इज अ डर्टी गेम। तो इसी वजह से पॉलिटिक्स कहते हैं हम, पावर पॉलिटिक्स जो है डर्टी पॉलिटिक्स है, मगर इट्स नॉट बैड और नॉट गुड। असल चीज है कि पावर कैसे यूज की जाती है और या पावर का मकसद क्या है। तो दो तरह के सोर्सेज होते हैं जहां से किसी इंडिविजुअल को पावर मिलती है। एक होती है पोजिशन पावर होती है, एक पर्सनल पावर होती है। पोजीशन पावर कहां से मिलती है? पोजीशन पावर तो ये है, फॉर्मलाइज ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, उसकी वजह से किसी की फॉर्मल पोजीशन है वहां पे, तो उसकी वजह से उसको पोजीशन की वजह से पावर मिलती है। जैसे किसी इदारे में कोई डायरेक्टर है तो उसकी एक पावर है बिकॉज हिज पोजीशन। इसी तरह चेयरमैन है तो उसकी पोजीशन की वजह से पावर है। पर्सनल पावर होती है ड्राइव फ्रॉम फॉलोवर बेस्ड ऑन लीडर्स बिहेवियर। ये वो होती है जो इंडिविजुअल की अपनी कैपेबिलिटीज स्किल्स की वजह से या उसकी जो परसेप्शन है फॉलोवर के माइंड में या उसके बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होते हैं फॉलोवर, तो वो उसकी वजह से उसके पास एक पावर होती है। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज के, अगर आप अपार्ट फ्रॉम अवाम के साथ उनका लिंक देखें, जैसे इमरान खान की हम बात करें, जुल्फिकार अली भुट्टो थे उनकी बात करें, नवाज शरीफ की बात करें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बात करें, तो बेसिकली इनका जो था एक पर्सनल रिलेशनशिप है, पर्सनल पावर है, क्योंकि फॉलोवर्स इनको लाइक करते हैं और ये फॉलोवर्स के बिहेवियर, बात करने को, उनकी पर्सनैलिटी से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनके विजन से इन्फ्लुएंस होते हैं, जो जिसका भी फॉलोवर है, तो वो उनके पास पर्सनल पावर है। तो ये दो जो है सोर्सेज ऑफ पावर है। अब पावर और इन्फ्लुएंसिंग इज अ बेसिकली ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट और इसको मिक्स भी किया जाता है कि पावर इज बेसिकली यूज टू इन्फ्लुएंस पीपल। इसी तरह इन्फ्लुएंसिंग टैक्टिक्स यूज की जाती हैं टू गेन अ पावर। तो ये दो हैं, दे बोथ वर्क टूगेदर। पावर एंड इन्फ्लुएंसिंग साथ साथ काम करते हैं। अब कितनी किस्म की इन्फ्लुएंसिंग टैक्टिक्स हो सकती है? एक प्रेशर टैक्टिक्स होती है, प्रेशराइज करना किसी के पास, अगर कोई किसी को पनिशमेंट करने का है, किसी के पास कोई इतनी पावर है
कि उसको वो थ्रेट दे सकता है या उसको पनिश कर सकता है, तो वो प्रेशर यूज करता है. लेजिटिमाइजेशन जो फॉर्मल अथॉरिटी उसकी पोजीशन है या उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी वजह से कॉलिशन, उसके नेटवर्क्स हैं, एक्सचेंज, गिव एंड टेक बेनिफिट, सोशल एक्सचेंज थ्योरी कि मैं रिवार्ड दे सकता हूँ. अगर कोई किसी को रिवार्ड दे सकता है, बेनिफिट दे सकता है, तो डेफिनेटली वो उसके पास एक टैक्टिक्स है इन्फ्लुएंस करने की. अगर कोई इंडिविजुअल समझता है कि ये मुझे फायदा दे सकता है, तो वो जो बात कहेगा शख्स वो उसको फॉलो भी करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे जो चीज चाहिए ये दे सकता है, बेनिफिट है या रिवार्ड्स है. पर्सनल अपील्स, ये पर्सनल अपील्स हैं, पर्सनल जो इमोशनल जो अपील्स हैं उसमें वो उसकी जो है इमोशनल लीडर होते हैं जो वो ये ज्यादा यूज करते हैं, जो पर्सनल अपील्स जो है उसको अराउज करते हैं. मोस्टली जो लोग हैं इमोशनल होते हैं फॉलोवर्स, जो रैशनल थिंकिंग नहीं होती, जो सोच के नहीं, ज्यादा जज्बाती होते हैं, तो उनके लिए जो इफेक्टिव इन्फ्लुएंसिंग टैक्टिक्स है वो पर्सनल अपील्स करना. जैसे कि हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो पर्सनल अपील्स करते हैं, इमोशंस दिलाते हैं लोगों को. इसी तरह एक किंग मार्टिन लूथर ने आई हैव अ ड्रीम, तो ये इंस्पायर करना, अपील्स, पर्सनल अपील करना. विजनरी लीडर्स मतलब उनकी जो पर्सनल इमोशंस हैं उनको टच करना, फीलिंग को टच करना, ताकि वो उनके साथ उनको इन्फ्लुएंस कर सकें. इंग्रेडिएशन के फ्रेंडशिप, उनके साथ रिलैक्स, उनके साथ कोऑपरेटिव बिहेवियर हो, उनसे जो फ्रेंडशिप और जो इनफॉर्मल ताल्लुक बना के इन्फ्लुएंस करना. कंसल्टेशन है, इसके बाद इंस्पायरेशनल अपील्स की हमने बात की, पर्सनल अपील्स और इंस्पायरेशनल. तो अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ पावर एंड टैक्टिक्स की. लेजिटिमेट पावर होती है, तो इसमें जो टैक्टिक्स यूज हो सकती हैं वो लेजिटिमाइजेशन की हो सकती है, कंसल्टेशन की हो सकती है, रैशनल पर्सुएशन की हो सकती है. तो जो लेजिटिमेट पावर को इंक्रीज करने के लिए इंडिविजुअल को ये है कि रैशनल पर्सुएशन यूज करनी चाहिए. अपनी जो पोजीशन है उसमें ये कि उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास जो है नॉलेज होना चाहिए, उसके पास एक आर्गुमेंट होने चाहिए, ताकि वो अपनी जो बात अपने फॉलोवर को आगे कन्वे करे, उन्हें कन्विंस भी करे. तो ये जो रैशनल पर्सुएशन की बात की है, इसमें बेसिकली ये है कि वो लोग जो फॉलोवर्स इमोशनल नहीं होते, ये नहीं कि किसी ने कोई बात की, किसी ने कोई नारा लगाया, उसके पीछे लग गए, ये सोचते हैं कि यार इसकी बात में वजन है, या ये मुझे जिस एंड की तरफ लेके जा रहा है, या जो इसका विजन है अचीवेबल है, या जो इसने पॉलिसी बनाई है कि किस तरह अपने विजन को अचीव करेगा, ये अचीवेबल है या रियलिस्टिक है या नहीं. तो उसके लिए एक रैशनल पर्सुएशन टैक्टिक्स ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि वो फॉलोवर जो होते हैं इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो ज्यादा इमोशन से ज्यादा इंस्पायर होने से ज्यादा थिंकिंग की तरफ ज्यादा होते हैं, सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं. तो इसी तरह रिवॉर्ड पावर होती है, तो उसमें जो है एक्सचेंज है इन्फ्लुएंसिंग टैक्टिक्स, अगर ये तुम मेरा काम करोगे तो मैं आपको ये आप दे सकता हूँ. कोर्सिव पावर है, तो इसमें यह है कि प्रेशर यूज किया जाता है कि अगर आपने ये काम नहीं किया, इस वक्त में नहीं किया, ये डेडलाइन है, तो पनिश करूंगा. सैलरी रोकी जा सकती है, जैसे मैनेजर सैलरी रोक ले, या फायर किया जा सकता है, या प्रमोशन नहीं दें उसे, या डिसिप्लिनरी एक्शन उसके खिलाफ ले कि उसको पेनल्टीज लगाएं, या उसको एक तरह का थ्रेट दें जॉब के उसमें. तो ये कोर्सिव पावर यूज करते हुए प्रेशर टैक्टिक्स यूज की जाती हैं. कनेक्शन, जिस बंदे के ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पीपल्स के साथ कनेक्शन होते हैं, नेटवर्किंग अच्छी होती है, तो वो बेसिकली जो है कॉलिशन टैक्टिक्स यूज करते हुए अपनी कनेक्शन पावर को इंक्रीज करता है. कनेक्शन पावर क्या है, किसी मैनेजर की अगर किसी इन्फ्लुएंशियल जो है की पोजीशन पे लोग बैठे हैं उनके साथ अगर उसके लिंक अच्छे हैं, तो उसकी उतनी कनेक्शन पावर ज्यादा होगी. तो उसको इन्हांस करने के लिए उसे चाहिए कि जो है आइडेंटिफाई करे कि की पोजीशंस पे कौन लोग बैठे हुए हैं, कौन किस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है, तो इस तरह वो कॉलिशन डेवलप करे. तो इसमें ये कर सकते हैं कि अपनी और पावर्स को यूज करते हुए, एक्सचेंज पावर को, या इन्फॉर्मेशन पावर को, या एक्सपर्टीज पावर को यूज करते हुए अक्रॉस दी डिपार्टमेंट भी अपने लिंक बना सकते हैं कि यार आप ये करें, मैं आपको ये हेल्प कर सकता हूँ आपके डिपार्टमेंट में. तो बेसिकली काम ये है कि नेटवर्किंग करना, कॉलिशन बनाना है, ताकि उसकी बेसिस पे अपनी कनेक्शन पावर को इंक्रीज करे. इंफॉर्मेशन पावर होती है कि किसी इंडिविजुअल के पास अगर खास किस्म की इंफॉर्मेशन है, तो वो उसके लिए एक पावर के तौर पर यूज करते हैं. मैनेजर जो है जिसके पास तमाम अगर इंफॉर्मेशन आ रही है, उसके पास इंफॉर्मेशन है, तो मीन्स वो बेसिकली
जो है उसके पास इंफॉर्मेशनल पावर होने की वजह से वो इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, और उसके लिए वो रैशनल परसेप्शन यूज करता है कि क्योंकि उसे पता होता है कि ये काम है, ये इन्फॉर्मेशन है, मार्केट की इन्फॉर्मेशन है, इंडस्ट्री की इन्फॉर्मेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल पोजीशन, ह्यूमन रिसोर्सेज इसकी इन्फॉर्मेशन है, या खास किसी जो है स्ट्रेटेजिक नेचर की इन्फॉर्मेशन है उसकी एक्सेस है, तो फिर वो परसुएड कर सकता है लोगों को, रैशनल दे के उनको जो है कन्विंस कर सकता है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दे के उनको बता सकता है, इन्फॉर्मेशन दे के बता सकता है कि अगर ये करेंगे तो आपको ये जो है कंसिक्वेंसेस होगा, ये करना हमारे लिए बेहतर है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये हमारे पास रिसोर्सेज हैं। एक्सपर्ट पावर होती है जिस बंदे की एक जो है एक्सपर्टीज हो किसी खास काम में, किसी खास फील्ड में, जो तो उसके पास एक खास किस्म की एक्सपर्टीज होने की वजह से उसके पास एक पावर होती है। तो वो टैक्टिक्स बेसिकली उसमें भी रैशनल परसेप्शन यूज की जाती हैं। तो इसमें ये है कि नॉर्मली जो जैसे कि अपने स्पेसिफिक फील्ड एक्सपर्ट्स होते हैं तो वह एडवाइजर लगते हैं, तो उनके पास एक तरह का एक नॉलेज होता है, एक स्पेसिफिक फील्ड का नॉलेज होता है जिसकी वजह से उनके पास एक्सपर्ट पावर होती है। रेफरेंस पावर होती है कि किसी के रेफरेंस बेस पे या पर्सनल लिंक की बेस पे जो है किसी के पास पावर होती है, ये पोजिशन की वजह से नहीं मगर अपनी एक पर्सनल जो उसका है पर्सनैलिटी है, उसका वे ऑफ टॉकिंग है, ओवरऑल जो उसकी जो है वर्किंग है, ओवरऑल जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, जो बिहेवियर है, उसकी वजह से उसकी फ्रेंडशिप है, लोग उससे इंस्पायर होते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो वो फिर ये है कि रेफरेंस पावर में इंस्पायरेशनल और पर्सनल अपील्स दोनों यूज करते हुए जो है फॉलोअर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अभी अब बात की हमने लेजिटिमेट पावर्स की, तो अब हम डिस्कस करते हैं इट कम्स फ्रॉम दी अपॉइंटेड इलेक्टेड पोजीशन। जैसे बात की ये आती है कि फॉर्मल पोजीशन अगर किसी को डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिली हो तो वो उसके लिए लेजिटिमेट पावर होती है। मोस्ट पॉपुलर ग्रांट दिस टू लीडर। रिवॉर्ड, कंट्रोल ऑफ थिंग्स वैल्यूड बाय फॉलोअर्स बेस्ड ऑन एक्सचेंज रिलेशनशिप। अगर कोई किसी को कुछ दे सकता है और वो चीज फॉलोवर्स वैल्यू करते हैं तो वो रिवॉर्ड पावर है। फॉर एग्जांपल मैं मैनेजर हूँ, मार्केटिंग मैनेजर के तौर पे फॉर एग्जांपल काम कर रहा हूँ और मेरे अंडर असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, सेल्समैन हैं। अब उनकी जो प्रमोशन है मेरी परफॉर्मेंस पे डिपेंड कर रही है, उनको इंक्रीमेंट साल का देना है वो मेरी जो इवेल्युएशन की बेस पे कर रही है, उनको बोनस देने कमीशन देने वो मेरी इस पे बेस कर रही है परफॉर्मेंस अप्रेजल पे। तो इस केस में जो है वो फॉलोवर्स या जो सब ऑर्डिनेट्स है उनको पता है कि ये जो शख्स है, ये जो हमारा मैनेजर है, लीडर है, इसके पास पावर है कुछ देने की, हमें फायदा देने की पावर है, किसी को प्रमोशन देने की पावर है, किसी की सैलरी इंक्रीज करने की, किसी को इंक्रीमेंट, किसी को कमीशन, तो वो फिर जो है उसके जरिए जो है रिवॉर्ड पावर के जरिए लीडर जो है अपने फॉलोवर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि यार ये काम करो, ये डिजायर्ड बिहेवियर है, अच्छा काम करोगे तो मैं आपको रिवॉर्ड दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, एक इन्फ्लुएंसिंग टैक्टिक्स या लीडर के लिए एक ये भी है कि ये पावर होनी चाहिए। अगर ये पावर ना हो, अगर लोग समझें, एक तो इंस्पायरेशनल पर्सनल लेवल की है ना कि इमोशनल है, लीडर जो है उसके साथ इमोशनल बॉन्ड है फॉलोवर्स का, मगर नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होता है लोगों को जो होता है रिवॉर्ड का होता है कि उनको कोई ऐसे बंदे की बात माने जिसको कुछ देने की भी हो, कि कोई कुछ रिवॉर्ड दे सकता हो या बेनिफिट दे सकता हो जॉब के रिलेटेड, तो उस शख्स को जो है वो फॉलो करते हैं, उसको लीडर मानते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसके जो अहकाम है उस पर अमल करते हैं, उसके जो डायरेक्शन है उस पर अमल करते हैं। तो रिवॉर्ड पावर होना एक बेसिकली मीन्स अच्छा है किसी लीडर के लिए भी, मगर उसको एक प्रॉपर यूज भी करना है, ना कि बाइसेस हों कि अनफेवरेबल या फेवरेबल जो है जो फेवरेटिज्म है उसको करे लीडर, तो उसमें भी फिर उसकी जो है क्रेडिबिलिटी कंप्रोमाइज भी होती है। तो ये तमाम चीजें लीडर के जो है पोजीशन को भी स्ट्रेंथन करती हैं। रेफरेंस पावर क्या होती है? बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट एंड पर्सनल रिलेशनशिप। इसमें ये होता है लीडर का जो फॉलोअर्स के साथ होता है एक खास किस्म का ताल्लुक होता है, पर्सनल फ्रेंडशिप रिलेशनशिप होता है। अर्न रिस्पेक्ट इंक्रीजेज रेफरेंस पावर। जितना ही लीडर रिस्पेक्ट अर्न करता है, जितना फॉलोवर्स उसको पसंद करते हैं उसकी ऑनेस्टी की वजह से, उसके काम की वजह से, उसके वे ऑफ वर्किंग की वजह से, या उसका जो है लोगों के साथ अच्छा जो है
रख रखाव है, बर्ताव है, उसकी पब्लिक डीलिंग अच्छी है, लोगों का ख्याल रखता है, तो जितना इन रिस्पेक्ट करेंगे फॉलोवर उसकी, उतनी ही लीडर की रेफरेंस पावर भी इंक्रीज करेगी। बीइंग बेटर लाइक्ड इंक्रीजेस रेफरेंस पावर, बीइंग सीन एज अ टीम प्लेयर डेडिकेटेड एंड इफेक्टिव इंक्रीजेस रेफरेंस पावर। इसी तरह टीम प्लेयर है, अगर अच्छा टीम लीडर है, डेडिकेटेड है अपने काम के साथ, अगेन जो इस बात की ऑनेस्ट है, क्रेडिबल है और इफेक्टिव है, अपना काम में एक्सपर्ट है, अपना काम अच्छे तरीके से करता है, तो फिर लोग उसकी इज्जत करते हैं। तो जितनी इज्जत करते हैं उसकी रेफरेंस पावर उस शख्स की, उस लीडर की बढ़ती है। कैन बी डेवलप्ड बाय एनीवन रिगार्डलेस ऑफ अदर टाइप्स ऑफ पावर और द लैक देयर ऑफ। तो ये जो रेफरेंस पावर है, अगर लेजिटिमेट पावर किसी के पास नहीं भी है, फॉर्मल पोजिशन नहीं है या रिवॉर्ड देने की पावर भी नहीं है, तो इसके बावजूद वो रेफरेंट पावर डेवलप कर सकता है। उसके लिए ये है कि वो रिस्पेक्ट अर्न करे, उसके इसके लिए ये कि उसके सोशल लेवल स्किल्स अच्छे होने चाहिए, या प्लस उसमें जो भी काम करे उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, तो इस वजह से उसकी रेफरेंट पावर जो है इंक्रीज करेगी। क्रिटिकल बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स, पीयर्स, लीडर्स एंड देयर सुपीरियर्स। इसी तरह लीडर और फॉलोअर के दरमियान जो है इनफॉर्मल जो ताल्लुक होता है या रेफरेंट पावर होती है लीडर की, इस वेरी इफेक्टिव वे टू इन्फ्लुएंस बिहेवियर। इसी तरह पीयर्स में अगर कोई बात करनी है, अपनी बात मनानी है, तो जिस शख्स की रिस्पेक्ट होगी उसकी से ज्यादा होगी, जब वो चीज कोई डिसाइड करेगा तो लोग उसकी बात मानेंगे, उसकी जो वेटेज देंगे बात को, उसकी बात को वैल्यू करेंगे। इसी तरह जो है लीडर जो है उसके ऊपर भी सुपीरियर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो है एक लेयर्स हैं, जैसे फ्रंट लाइन मैनेजर्स होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं और एक टॉप मैनेजमेंट होती है। अब मिडिल मैनेजमेंट इज अ लीडर फॉर देयर फ्रंट लाइन मैनेजर, फर्स्ट लेवल मैनेजर, तो उसके जो लीडर्स हैं मिडिल लेवल मैनेजर्स के, वो टॉप मैनेजर्स हैं। तो रेफरेंट पावर अगर है किसी शख्स में, उसकी इस रिस्पेक्ट है ऊपर वाले हल्के में भी, टॉप मैनेजमेंट में भी, मिडिल मैनेजर से कोई है, जैसे मार्केटिंग मैनेजर है, ऊपर जो डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है, डायरेक्टर मार्केटिंग, डायरेक्टर फाइनेंस, अगर उनके साथ उसके अच्छे रिलेशनशिप है, या वो अपने काम में इतना प्रोफेशनल है कि वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो समझते हैं कि ये बहुत अच्छा क्रेडिबल आदमी है, वो अपना ऑनेस्ट आदमी है, डेडिकेटेड है, पंक्चुअल है, जो काम किया करके दिखाता है और इज अ मोस्ट प्रोडक्टिव एम्प्लॉय, उसकी रेफरेंस पावर फिर ज्यादा होती है। तो मींस वो अपने लीडरों को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। एक्सीलेंट बेस फॉर अ रिलेशनल और बैलेंस रिलेशनल स्ट्रक्चर लीडरशिप स्टाइल। तो दैट रेफरेंस पावर इज वेरी गुड कि उसमें रिलेशनल लिंक होना चाहिए, इस्टेब्लिश होना चाहिए लीडर्स और जो है फॉलोवर्स के दरमियान भी एक खास किस्म का रिलेशनशिप होना चाहिए। इसी तरह जो लीडर फॉलोवर्स हैं उनका अपने लीडर्स के साथ भी होना चाहिए, और जो है बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए कि सिर्फ फॉलोवर्स के साथ नहीं, तमाम नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है, तो एक रेफरेंट पावर तमाम जो है ऊपर वालों सुपीरियर से भी, सब ऑर्डिनेट से भी होने चाहिए। तो जितना इसमें ये कि रिस्पेक्ट अर्न करेंगे उतनी रेफरेंट पावर इंक्रीज करेगी। एक्सपर्ट पावर कम्स फ्रॉम स्किल्स, एक्सपर्टीज, नॉलेज, मेक्स अदर्स डिपेंडेंट ऑन द पर्सन विद द पावर, कैन बी फॉर एडवाइस, टू फिक्स योर कंप्यूटर एक्सेट्रा। एक्सपर्ट पावर आती है किसी को, किसी खास काम में कोई महारत है, स्किल्स है, नॉलेज है उसके पास, तो लोग उसके डिपेंडेंट हो जाते हैं। उन लोगों को अगर कोई मसला होता है, लोगों को पता होता है यार ये काम जो है वो ये कर सकता है, ये एक्सपर्ट है इस फील्ड का, तो नॉर्मली जिसके पास ये पावर हो तो उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है कि किसी से कोई मशवरा ले सकता है, इवन के एडवाइस लेनी है, कोई मेंटोर है, तो ये कि वो जो उसके जो फॉलोवर हैं वो कहते हैं कि इसके पास ज्यादा नॉलेज है, विजडम है, तो और खास उसके पास स्किल्स हैं जो हमारे पास नहीं है, तो उस केस में वो उससे इन्फ्लुएंस होंगे, उससे एडवाइस लेंगे। या सिंपल अगर किसी का कंप्यूटर खराब हो जाता है और जो कंप्यूटर जो है जो नेटवर्क स्पेशलिस्ट है या जो कंप्यूटर ऑपरेटर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो विंडोज उनकी इंस्टॉल करता है, फिक्स करता है, इनके एट टाइम वो भी जो है उसके पास भी एक्सपर्ट पावर होती है। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, टिपिकली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसमें ये होता है कलर की बड़ी पावर होती है
क्योंकि बेसिकली जो नॉलेज होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो बेसिकली काम का अंदाज होता है, एक नया बंदा के मैनेजर आता है तो जो कलर किया जो नीचे वाले ऑफिसर्स होते हैं उनके पास ज्यादा नॉलेज होता है और उन्हें पता होता है, वो अरसे से एक ही जगह काम कर रहे होते हैं, तो वो जो मैनेजर होता है उन पर डिपेंडेंट भी होता है कि यार इसके पास पावर है, इसके पास स्किल्स है, ये नॉलेज है, एक्सपर्टीज है। मगर ये कि वक्त के साथ साथ कि स्किल, एक्सपर्टीज और नॉलेज को इंक्रीज करना चाहिए किसी का, किसी भी फील्ड में जितना भी नॉलेज एक्सपर्टीज बढ़ती जाएंगी उसकी एक्सपर्ट पावर इंक्रीज करती जाएंगी। दैट्स व्हाई फॉर एग्जांपल के जैसे कि अगर कोई खास एनालिटिकल टूल है और एनालिसिस है, डाटा एनालिसिस है, तो अगर मेरे पास वो उस प्रोग्राम का नॉलेज है, मैं अगर रन कर सकता हूँ, मैं एनालिसिस कर सकता हूँ और किसी और को ज़रूरत है उस प्रोग्राम को में डाटा रन करने की, तो डेफिनेटली मेरे पास एक्सपर्ट पावर है, मुझे उस फील्ड का नॉलेज है, उस प्रोग्राम का नॉलेज है। तो अपनी नॉलेज की बेस पे जो लीडर पावर होती है उसके पास, वो एक्सपर्ट पावर कहलाती है। इंफॉर्मेशन रिसोर्स कम फ्रॉम कंट्रोल ऑफ डाटा, इंफॉर्मेशन और अदर नीडेड रिसोर्सेज। किसी के पास किसी डाटा की एक्सेस है या इंफॉर्मेशन है या अदर रिसोर्सेज का उसके पास कंट्रोल है, तो उसके पास वो इंफॉर्मेशन या रिसोर्स पावर कहते हैं उतनी ज़्यादा होगी। अब जैसे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनके पास जो है फाइनेंस जो है मिनिस्ट्री के पास, फाइनेंस मिनिस्टर के पास जो है उनको रिलीज करनी है पेमेंट्स, उसकी जो फाइनेंशियल जितनी भी है, किसी डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, किसी और मिनिस्ट्री की ज़रूरत है, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने रिलीज करनी होती हैं, तो इस वजह से उनके पास फाइनेंसेस हैं, तो इसकी वजह से बड़ी इम्पॉर्टेंट पोजीशन है कि फाइनेंस मिनिस्टर की। इसी तरह डिपार्टमेंट के अंदर जो डायरेक्टर फाइनेंस होता है, उसने बिल रिलीज करने होते हैं, उसने पेमेंट्स करनी होती है, उसने सैलरीज देनी होती है, उसने और तरह की जो ट्रांजेक्शन बिजनेस जो होती है उसके लिए जो है पैसे रिलीज करने होते हैं, तो इस वजह से भी उसके पास पावर है। तो ये पावर इसके पास रिसोर्स एक्वायर होने की वजह से, रिसोर्स का कंट्रोल होने की वजह से। किसी के पास ह्यूमन रिसोर्सेज सप्लाईज है या मटेरियल है, जैसे लॉजिस्टिक वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं, उनके पास एक कंट्रोल है लॉजिस्टिक का, ट्रांसपोर्टेशन का, स्टोर का, इक्विपमेंट का, तो वो उनके पास पावर है। किसी के पास खास किस्म की कोई इंफॉर्मेशन है तो वो सारी जो ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन आउटसाइड या इनसाइड आ रही है उसके पास आ रही है, तो मीन्स वो ही उसके पास ज्यादा नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का, मार्केट का, तो वो उसके लिए एक पावर है। अब ये पावर्स डेवलप भी की जा सकती है, इंफॉर्मेशनल पावर डेवलप करने के लिए कि अपडेट रखना चाहिए, अपने स्किल्स डेवलप करने चाहिए, और इसी तरह जो है इवेंट्स होते हैं, सेरेमनीज होती हैं इंडस्ट्रीज में जो इवेंट्स हो रहे होते हैं और उसमें उसको अटेंड करना चाहिए, ट्रेनिंग एक्वायर करनी चाहिए जो अगर एक्सपर्ट पावर लेनी है, तो ये चीज़ें जो होती हैं पावर लीडर के लिए अफेक्टिव वे होते हैं जो इन्फ्लुएंस करने को किसी भी फॉलोअर के, इंडिविजुअल के बिहेवियर को, तो ये पावर जो होती हैं बेसिकली इनका यूज़ आना चाहिए और इन पावर्स को वक्त के साथ साथ अपग्रेड या बिल्डअप करना चाहिए। कोर्सिव पनिशमेंट पावर, एबिलिटी टू पनिश और विद होल्ड रिवॉर्ड्स, ऑफन यूज बाय पीयर्स टू इन्फोर्स नॉर्म्स। तो इसमें यह है कि नॉर्मली अब अगर आप बात करें तो जैसे चेयरमैन है अदारे का, जो है चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसके पास पावर होती है कि किसी के इंक्रीमेंट रोक दे या डिसिप्लिनरी एक्शन है तो उसके खिलाफ कोई पेनल्टी लगा के उस पर फाइन करे या उसके जो है प्रमोशन ब्लॉक कर दे, रोक दे कुछ अरसे के लिए या उसे फायर कर दे। तो जिसके पास जितनी ये पनिशमेंट की पावर होगी तो कहेंगे कि हम उसके पास कोर्सिव पावर ज्यादा है क्योंकि वो पनिश कर सकता है। तो कोर्सिव पावर नॉर्मली ये होता है कि नेगेटिव बिहेवियर को जो है अवॉइड करने के लिए या रिपीट ना हो दोबारा यूज की जाती है कि अगर आपने दोबारा ये काम किया तो आपको पनिश किया जाएगा, या दूसरे सेंस में अगर आपने ये डिजायर्ड या एप्रोप्रिएट बिहेवियर या ये परफॉर्मेंस टारगेट अचीव नहीं किए तो ये आपको पनिश किया जा सकता है, या आपने गोल अचीव नहीं किए तो आपको ये पनिश किया जा सकता है। कनेक्शन की बात करें तो कम्स फ्रॉम एसोसिएटिंग विद इन्फ्लुएंशियल पीपल। तो ये जो है कनेक्शन बेसिकली बिल्डअप करते हैं जब नेटवर्किंग होती है एक इंडिविजुअल की, डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं उनके साथ उसका नेटवर्क डेवलप होता है किसी इंडिविजुअल का, उसके जो की पोजीशन पे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उनके साथ उसका कनेक्शन होता है, तो उसकी वजह से वो इन्फ्लुएंशियल पीपल के ताल्लुक की वजह से लोग उससे
जो है इंस्पायर्ड होते हैं या इंस्पायर्ड होने के साथ इन्फ्लुएंस होते हैं, या वो जो बात कहेगा उसको मानेंगे। तो नॉर्मली ये पोजीशन भी नहीं होती कि किसी के पास पोजीशन की वजह से भी इन्फ्लुएंसियल ये कनेक्शन जो है पोजीशन जो है या पावर मिल सकती है। मगर नॉर्मली कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पोजीशन भी नहीं होती मगर उनके जो पॉलिटिकल स्किल्स अच्छे होते हैं, नेटवर्किंग स्किल्स अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं, किसी टॉप मैनेजमेंट के बंदे से ताल्लुकात होते हैं, तो उनकी भी वो पावर आ सकती है कनेक्शन पावर। और जो कनेक्शन पावर है पाकिस्तान में नॉर्मली डियर स्टूडेंट्स फ्रेंकली स्पीकिंग बहुत जरूरी है। अगर आपने एडवांसमेंट करना है, करियर में सक्सेस लेनी है, तो जिन लोगों के अच्छे कनेक्शन हैं डिफरेंट जगहों पे, उनके लिंक्स हैं, तो वो जो है अपने अपने करियर में भी ग्रोथ कर सकते हैं, अपने जो बेनिफिट्स ले सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, ग्रो कर सकते हैं करियर में, और अपने जो है डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली डिपेंड ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल लेवल स्किल। जिस बंदे में जितने पॉलिटिकल स्किल्स अच्छे होते हैं, नेटवर्किंग अच्छे तरीके से करता है, तो उसकी कनेक्शन पावर भी अच्छी होती है। तो हम डिस्कस करेंगे अभी पॉलिटिकल बिहेवियर को डिस्कस करेंगे इन डिटेल नेक्स्ट स्लाइड्स। तो द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव वे टू एक्युमुलेट पावर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, रेगुलरली प्रोवाइड सर्विसेज फेवर्स एंड असिस्टेंट टू एवरी वन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो द सिंगल मोस्ट इफेक्टिव वे क्या है टू एक्युमुलेट पावर के, रेगुलरली प्रोवाइड सर्विसेज, किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करना, फेवर देना या किसी की हेल्प करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रेगुलर, किसी को पता है कि ये मेरी हेल्प कर सकता है, असिस्ट कर सकता है, फेवर दे सकता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो उससे उसकी इतनी पावर इंक्रीज करती है या मोस्ट इफेक्टिव वे होता है पावर का। द मोर इम्पॉसिबल दीज एक्ट्स आर टू रिपे द ग्रेटर द पावर गेन। इसी तरह अगर रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता, अगर मैं मेरे पास एक पावर है रिवार्ड देने की, मेरे पास पावर है किसी खास किस्म की फेवर देने की या सर्विस प्रोवाइड करने की, और रिटर्न में फॉलोवर को भी मुझे नहीं दे सकता, तो इस सेंस में वो मेरा ज्यादा ऑब्लाइज होगा, मेरा ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा, मेरे पास ज्यादा ग्रेटर पावर होगी, मैं ज्यादा अच्छे तरीके से उसको इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। अगर वो रिपे कर सकता है तो मींस वो उसे इक्वल फुटिंग पे कि आप मेरा ये काम करें मैं आपका वो कर दूंगा, वो भी ठीक है। मगर जब एक बंदा दूसरा जो है उस देने की पोजिशन में नहीं हो और एक बंदा है जो दे सकता है किसी को, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर मैं लीडर हूँ, मैनेजर हूँ और मैं किसी को प्रमोशन दे सकता हूँ, मैं देता हूँ प्रमोशन अपने सबऑर्डिनेट को और मैं उसे कहता हूँ काम अच्छे तरीके से करो, मैं आपको प्रमोट करूंगा, और उसे पता है इसका मैं उसे रिटर्न एज सच नहीं दे सकता क्योंकि मेरे हाथ में ये पावर नहीं है, तो वो ज्यादा जो है ऑब्लाइज होगा, तो ज्यादा होगी जितनी के रीपे करे किसी को, किसी ने कोई किसी के साथ फेवर किए उसे पे बैक नहीं कर सकता, तो उतनी ही पावर जो है उसका फायदा होगा, उतनी पावर इफेक्टिव होगी वो वाली। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने बात की पॉलिटिक्स की, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पॉलिटिक्स है बेसिकली इट्स अ प्रोसेस ऑफ गेनिंग एंड यूजिंग पावर। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स इज अ वास्ट सब्जेक्ट, और कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है ऐसी नहीं है जिसमें पॉलिटिक्स ना होती हो। जहां भी दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके उनके अंदर जो है पॉलिटिक्स होगी, ये जो है फैक्ट ऑफ लाइफ है इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेसिकली पॉलिटिक्स जो होते हैं, इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, पर्पज ये होता है कि वो पावर को ले और पावर का एक्सरसाइज करें। तो ये ना गुड है ना बैड है, अपने जो काम के लिए, अपने काम को करवाने के लिए जो है लोग अपने अच्छे एक जो है उनका जो है से हो डिसीजन मेकिंग में या लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकें, तो उसके लिए जो पॉलिटिक्स करते हैं वो बुरी नहीं है। मगर पॉलिटिक्स का ये मतलब नहीं है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स करके, डर्टी पॉलिटिक्स करके आप किसी को नुकसान पहुंचाएं और इदारे के अंदर जो है पॉलिटिसाइज कर दे और जो है डिसिप्लिन ना फॉलो हो रहा हो, क्योस की सूरत हो, तो वो गलत है। मगर अच्छे तरीके से अगर आप यूज करें अपनी पावर्स को पॉलिटिकल जो है बिहेवियर को यूज करते हुए, तो वो आप फायदा भी दे सकते हैं लोगों को, इदारे को फायदा दे सकते हैं। किसी के पब्लिक रिलेशन अच्छे हैं तो वो ये कि अपने डिपार्टमेंट को फायदा दे सकता है, अपने डिपार्टमेंट के काम आ सकता है उसका, क्योंकि लिंक है वो पॉलिटिकल, उसका बिहेवियर स्किल्स हैं, तो वो अपने अगर फॉलोवर के लिए, लीडर के पास अगर पॉलिटिकल स्किल्स हैं और वो यूज करता है अपनी उस पावर को, अगर जो उसने पॉलिटिकल बिहेवियर या स्किल्स की बेस पे यूज किए, गेन किए, तो मीन्स वो
फायदेमंद है, फॉलोवर्स को फायदा दे सकता है, अपने फॉलोवर्स को कुछ रिवॉर्ड लेके दे सकता है, अपने डिपार्टमेंट के लिए रिसोर्सेज लेके आ सकता है, अपने डिपार्टमेंट में जो है इक्विपमेंट और तरह के जो है रिसोर्सेज वो लेके आ सकता है, अपने इंडिविजुअल्स या जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनको वो अब्लाइज कर सकता है, उनको प्रमोट कर सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कैसे यूज किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डियर स्टूडेंट जो है पॉलिटिक्स इज अ फैक्ट, ये ऑर्गेनाइजेशन लाइफ के अंदर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स इज अ फैक्ट। कोई ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं हो, कहीं ज्यादा होती है कहीं कम होती है, मगर बहरहाल पॉलिटिक्स मौजूद होती है। अब ये है कि उसको जो पॉलिटिकल बिहेवियर होना है, इंसान को अगर सरवाइव करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहना है तो होनी चाहिए पॉलिटिकल स्किल्स, मगर उसको एक जो है पॉजिटिव वे में यूज करने चाहिए अपने लिंक्स को, अपने जो है पॉलिटिकल स्किल्स को। डियर स्टूडेंट्स, देर आर थ्री कॉमन जो है पॉलिटिकल बिहेवियर्स हैं, रेसिप्रोसिटी, कोलिशन एंड नेटवर्किंग। In next slide we discuss that political behavior skills develop भी किए जा सकते हैं। Reciprocity है कि political skills develop करते हैं कि आप मेरा ये काम करें मैं आपको ये benefit दूंगा, give and take, social exchange theory कि अगर ये आप देंगे तो मैं आपके ये काम आ सकता हूँ। कॉलिशन है आपस में मिल के कि कोई एक काम है दोनों मिल के करें, कॉलिशन बनाएं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स या डिफरेंट पीपल के साथ मिल के काम करें, असिस्ट करें जो उसको ज़रूरत है वो प्रोवाइड करें, लॉजिस्टिक सपोर्ट या जो भी एक्सपर्टीज हैं, इसी तरह मिल के काम करके एक तरह से उसके बेसिस पे नेटवर्क बनाते हैं। लोग डिफरेंट जो है पोजीशंस पे पता होता है कौन लोग हैं उनके साथ, एक उनके पर्सनल रिलेशनशिप भी डेवलप करते हैं वो। तो ये पॉलिटिकल स्किल्स डेवलप किए जा सकते हैं। थ्री कॉमन पॉलिटिकल बिहेवियर्स हैं, रेसिप्रोसिटी, कॉलिशन, नेटवर्किंग। तो कैसे डेवलप किए जाए, लर्न द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड पावर प्लेयर्स। डियर स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लर्न द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, कि ऑर्गेनाइजेशन में काम क्या है, कैसे होता है, नॉर्म्स क्या है, वैल्यूज क्या है और कौन बंदा है जो की प्लेयर्स हैं, पावर प्लेयर्स हैं, किस बंदे से मेरे लिंक होंगे तो वो मुझे फायदा दे सकता है। हर इदारे में कुछ की पोजिशन होती हैं जिनमें लोग बैठे होते हैं, वो तमाम डिसीजन पे इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके पास रिसोर्सेज होते हैं, रिवॉर्ड उनके पास होते हैं, पनिशमेंट की पावर उनके पास होती है। मीन्स वो नॉर्मली चंद लोग होते हैं जो अपनी तमाम पावर्स उनके पास होती हैं। तो आइडेंटिफाई करें कौन की पोजीशन पे बैठे हैं, किसके पास क्या क्या देने की पावर है, किसके पास कितना इन्फ्लुएंस है या कौन किस चीज को इन्फ्लुएंस कर सकता है, कौन इंडिविजुअल के पास क्या पावर है, किसको इन्फ्लुएंस कर सकता है, किन से उसको देखते हुए लिंक बनाना, एस्टेब्लिश करना। तो की प्लेयर से अपने जो है कनेक्शन डेवलप करना, तो एक वो भी है कि यूज करें आप उसको बाद में जो अपने डिपार्टमेंट जिसके आप सुपरवाइजर हैं उसके बेनिफिट्स के लिए यूज करें, अपने फॉलोवर्स के जो है बेनिफिट्स के लिए यूज कर सकते हैं या अपनी करियर ग्रोथ के लिए भी यूज कर सकते हैं। डिवेलप गुड वर्किंग रिलेशनशिप स्पेशली विद योर मैनेजर्स, तो अपने मैनेजर से अच्छा जो है रिलेशनशिप बनाए, क्योंकि मैनेजर के साथ जिसकी अच्छी रिलेशनशिप होता है मींस उसकी जो है इन अदर सेंस उसकी जिंदगी आसान होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि उसे पता होता है कि उसको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाएगी, अगर कोई प्रॉब्लम है उसका मैनेजर उसे हेल्प करेगा, उसे जो नॉर्मल जो बेनिफिट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसे डिप्राइव नहीं रखा जाएगा, उसे दिए जाएंगे, उसे बोनसेस दिए जाएंगे, उसे इंक्रीमेंट्स मिलेंगे साल के। अच्छा रिलेशनशिप हो मैनेजर का तो काम करना आसान हो जाता है। तो यही ऊपर के लोग होते हैं जो की प्लेयर्स भी होते हैं, तो इनसे अच्छा लिंक बनाना, बी लॉयल ऑनेस्ट टीम प्लेयर, अपना नेटवर्क बनाएं, काम करें, अपनी जो टीम बनाई है उसके साथ ऑनेस्ट रहें, लॉयल रहें। जिस ग्रुप में हैं हम डिटेल में बाद में भी डिस्कस करेंगे इन ग्रुप और आउट ग्रुप्स का, जो इन ग्रुप्स हैं जो खास लोग हैं उनका आपस में भी उठना बैठना होता है, उनके साथ अगर आप हैं तो ऑनेस्ट रहें, वफादार रहें, उनके काम आते हैं आप उनको मीन्स सिंसियर हैं, तो इस तरह भी आपके पॉलिटिकल स्किल्स जो हैं जो नेटवर्किंग है वो अच्छे तरीके से डेवलप हो सकती है। गेन रिकग्निशन, रिकग्नाइज अपनी जो एफर्ट्स हैं उसको रिकग्नाइज करें, बताएं लोगों को कि मैंने ये काम किया है, मेरे पास ये एक्सपर्टीज हैं, ये अचीवमेंट्स हैं, ये मैंने गोल अचीव किए हैं, ताकि लोगों को नोटिस हो कि आपने कि जो है ये जो है आपने एफर्ट्स किए हैं, आपने ये अचीवमेंट्स किए हैं, ताकि लोग रेकग्नाइज करें, जाने आपको इदारे के अंदर। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज दीज आर दी वेज टू डेवलप पॉलिटिकल बिहेवियर। नेटवर्किंग ऑन दी जॉब, हमने नेटवर्किंग की बात की,
तो डियर स्टूडेंट्स, नेटवर्किंग, जैसे कि अभी बात की पॉलिटिकल बिहेवियर स्किल डेवलपमेंट में, हमने बात की कि कैसे अपने पॉलिटिकल बिहेवियर को डेवलप करना है, तो उसमें एक की चीज है, डायमेंशन है, वो नेटवर्किंग भी है। नॉर्मली जो प्रमोशंस होती हैं इदारों में भी, जो प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में भी हो, आप आए दिन भी सुनते हैं, तो जिसके नेटवर्क्स अच्छे होते हैं, जो हायर पोजीशन पे जाते हैं, जो की पोजीशन पे जिनकी पोस्टिंग्स होती हैं, उनके नेटवर्क्स बहुत अच्छे होते हैं, उनके जो है ताल्लुक, उनके जो है रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं उन लोगों के साथ जो उन पोजीशन पे अपॉइंट करने की जिनके पास अथॉरिटी होती है। तो ये डेवलप करने के लिए डियर स्टूडेंट्स सोशल लेवल स्किल्स चाहिए कि इंडिविजुअल को एक अच्छे जो है उसकी पीआर होनी चाहिए, उसके पर सोशल लेवल स्किल्स होने चाहिए, लोगों के साथ मिलना जुलना उससे आता हो, वो फ्रेंडली हो, आउटगोइंग हो, एक्सट्रोवर्ट हो, इज अबाउट बिल्डिंग प्रोफेशनल रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप। इसी तरह प्रोफेशनल नेटवर्क्स हो, एक इदारे में अगर काम करें तो उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो की प्लेयर्स हैं पोजीशन पे बैठे उनसे लिंक होना चाहिए, सिर्फ ऊपर बैठे हुए नहीं, नीचे जो सब ऑर्डिनेट्स होते हैं, जो नीचे एम्प्लॉयज होते हैं, उनसे भी अच्छे ताल्लुकात जिसके होते हैं वो अच्छा एक जो है अपना नेटवर्क बना सकता है। क्योंकि हमेशा ये है कि सिर्फ ऊपर वाले काम नहीं, आप नीचे से भी इंफॉर्मेशन बहुत सारी लेते हैं कि ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, काम कैसे हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स है, या किसने क्या बात की, ये इस वक्त किसके पास क्या पावर है, या किसके पास मीन्स क्या स्ट्रेंथ्स हैं, या किसके पास क्या रिसोर्सेज हैं। तो ये आपको बेसिकली इंफॉर्मेशन भी लेनी होती है, तो आपको जो है प्रोएक्टिव होना चाहिए। तो इसमें जो है सिर्फ ये फोकस नहीं कि ऊपर वालों से अच्छे हैं, नीचे वालों से नहीं अच्छे, तो वो भी नहीं है ताल्लुक, आपने सब ऑर्डिनेट से भी अच्छे ताल्लुक डेवलप करने हैं, फ्रेंडशिप भी होनी चाहिए आपके, इनफॉर्मल रिलेशनशिप भी होना चाहिए। इट्स नॉर्मली सेड दैट डिफिकल्ट फॉर वुमेन नॉट कॉल द गुड ओल्ड बाय नेटवर्क फॉर नथिंग, बेसिकली इट इज डिफिकल्ट फॉर वुमेन एज दे कैन नॉट स्पेंड देयर टाइम ऑन इन ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जो मेल होते हैं वो बेसिकली मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी भी, तो उसमें ये कि उनके जो है लिंक्स अच्छे होते हैं, वो टाइम ज्यादा देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ज्यादा मींस अपने रहते हैं, मौजूद रहते हैं, इन रहते हैं। तो दिस स्टेटमेंट कैन बी डिबेटेड। नेटवर्किंग टू फाइंड अ जॉब, और इसी तरह एक तो है जॉब में अगर आप काम कर रहे हैं, प्रमोशन लेनी है, तो उसके लिए नेटवर्किंग, जिसके अच्छे लिंक्स होते हैं तो उसकी प्रमोशन भी होती है, उसे रिवॉर्ड भी मिलते हैं। इसी तरह जो नई जॉब्स हैं उसमें भी नेटवर्किंग बड़ी चलती है। मोस्ट सक्सेसफुल अप्रोच टू थर्ड ऑफ ऑल जॉब्स, वर्ड ऑफ माउथ इनफॉर्मल रेफरल्स। नॉर्मली जो होता है वर्ड ऑफ माउथ, किसी ने किसी के बारे में बताया, किसी को कोई हायर करना है किसी जॉब के लिए बंदा, तो किसी का कोई जानने वाला है उसे रेफर करता है या बताता है, या किसी के बारे में सुना जाता है कि ये बहुत अच्छा है, काम करता है, या जिसने अपनी वो लोगों में एक है कि सोशल लेवल स्किल्स है, उसने अपनी एक रिकग्निशन डेवलप की हुई है, तो उस बेसिस पे भी जॉब्स होती हैं। नेटवर्किंग की बेसिस पे जो है नॉर्मली जो है प्राइवेट सेक्टर्स में भी जॉब जो है मींस वो अपॉइंट किए जाते हैं जॉब्स से इंडिविजुअल्स। इसी तरह रिजल्ट्स इन मोर न्यू जॉब्स देन ऑल अदर मेथड्स कंबाइंड, तो इट्स बेसिकली रिसर्च और एविडेंस इन यूएस के मोस्ट ऑफ दी जो न्यू जॉब्स हैं, ओपनिंग्स हैं, वो जो है नेटवर्किंग के थ्रू जो है उधर इंडिविजुअल्स अपॉइंट किए जाते हैं। सो नेटवर्किंग इज वेरी एसेंशियल फॉर सक्सेस इन दी ऑर्गेनाइजेशन, और लीडर के लिए भी जरूरी है कि अपना उसका नेटवर्क होना चाहिए, नेटवर्किंग स्किल्स होने चाहिए कि डिफरेंट जो पोजिशन हैं, प्लेयर्स हैं, उनके साथ उसकी जो है नेटवर्किंग होनी चाहिए, फॉर्मल प्रोफेशनल लिंक्स होने चाहिए, इनफॉर्मल लिंक्स होने चाहिए। नेटवर्किंग प्रोसेस क्या है, परफॉर्म अ सेल्फ असेसमेंट एंड सेट गोल्स। अपने आप पहले सेल्फ असेसमेंट करें कि मेरा क्या काम है, मेरी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेस हैं, और व्हाट आर माय करियर ऑब्जेक्टिव्स। क्रिएट योर वन मिनट सेल्फ सेल, डेवलप योर नेटवर्क, अपना नेटवर्क डेवलप करें, बताएं कि आपके लाइक माइंडेड लोग कौन से हैं, कौन लोग आपके प्रोफेशनल उसमें फॉलो करें, कौन लोग आपके काम आ सकते हैं करियर में, आप आइडेंटिफाई करें, उनके साथ इनफॉर्मल कॉल्स करें, उनसे डेवलप करें रिलेशनशिप, इवेंट्स पे उनसे मिलें। तो इसमें यह है कि आप जो बहुत सी जो है ट्रेनिंग्स हैं उसमें जाएं, आपको डिफरेंट जो है आपके लिंक्स इस्टेब्लिश होते हैं। इसी तरह जो इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, उसमें लिंक्स इस्टेब्लिश होते हैं,
और इसी तरह आपने देखा होगा बहुत सी जॉब्स जैसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं लम्स और आईबीएम इन द सेंस कि वो बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ के एलुमनाई जो होते हैं वो अच्छी पोजीशंस पे हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कि वो अपने जो जानने वाले लोग हैं, अपने जो यूनिवर्सिटीज़ के लोग हैं वो उनको हायर करें। अपना नेटवर्क आपने बना लिया, देख लिया आपके कौन लोग फ़ायदा दे सकते हैं, आपके प्रोफेशनल सेटिंग्स में कौन से लाइक माइंडेड हैं, तो उनके साथ फिर आपने कंटिन्यूस आप मेंटेन भी रखना है नेटवर्क। ताल्लुक बनाना डियर स्टूडेंट्स इतना मुश्किल नहीं है, नेटवर्क बनाना इतना मुश्किल नहीं है जितना उसको इस्टेब्लिश या मेंटेन रखना होता है। तो इसके लिए यह कि आप उनके साथ मेंटेन रखें अपने नेटवर्क को। सेल्फ असेसमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें यह कि अपनी अकम्पलिशमेंट्स बताएं क्या आपने अकम्पलिश किया है, तो इसी तरह आप नेटवर्किंग गोल सेट करें। देन क्रिएट योर वन मिनट सेल्फ सेल हिस्ट्री ऑफ योर करियर, अपने करियर के बारे में बताएं, प्लान बताएं मैं ये करना चाहता हूं फ्यूचर में, क्वेश्चंस टू स्टिमुलेट कन्वर्सेशन, राइट एंड प्रैक्टिस। इस तरह आप अपनी जब सीवी बनाते हैं तो ये चीजें आप अपने उसमें लिखें। डेवलप योर नेटवर्क, बिगन विद हु यू नो, किन लोगों को आप जानते हैं या कौन लोग आपके जो है रेफर कर सकते हैं और लोगों को। एक्सपेंड टू पीपल यू डोंट नो, रेफरल्स, लोगों से पूछें यार और कौन इस फील्ड में है या कौन ऐसे, उनसे बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि और लोग कौन से हैं इस फील्ड में, उसके थ्रू आप रेफरेंस डेवलप करें। वॉलंटियर वर्क करें तो आपको यू कम अक्रॉस विद द डिफरेंट पीपल, तो उसमें आपके बहुत से लोग जो ऐसे हैं इनफॉर्मल सेटिंग में आपकी जो फ्रेंडशिप होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं इन अ जॉब और अपने करियर ग्रोथ या प्रोफेशनल ग्रोथ में। डेवलप एबिलिटी टू रिमेम्बर पीपल्स नेम, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट पॉलिटिकल जो लोग होते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, उनकी क्वालिटी ये होती है कि वो अपने नाम लोगों का याद रखते हैं, नाम से पुकारते हैं ताकि इनफॉर्मल या एक उनका रिलेशनशिप डेवलप होता है, कि लोग जब आप लोगों को नाम से पुकारते हैं तो लोगों को एक पर्सनल फीलिंग्स या एफिलिएशन फील होती है, तो नाम याद रखें लोगों को। दिस इज गुड नेटवर्किंग स्किल्स डेवलपमेंट प्रैक्टिस। नॉट जॉब इंटरव्यूज, कंडक्टिंग नेटवर्किंग इंटरव्यूज करते हुए देखते हैं कि जॉब इंटरव्यू नहीं है। यूज नेटवर्क लिस्ट, यूज मैनी इंटरव्यूज टू रीच नेटवर्किंग गोल्स, इनफॉर्मल और वाया टेलीफोन, यू आर द इंटरव्यूअर, बी प्रिपेयर्ड। उनके साथ इनफॉर्मल से इंटरव्यू करें, उनके आप पसंद नापसंद पूछें, इंटरेस्ट पूछें ताकि आपको भी पता लगे, आप अपने इंटरेस्ट बताएं, स्ट्रेंथ बताएं, बताएं कि मैं क्या दे सकता हूँ, मेरी क्या एक्सपर्टीज है, तो इस तरह आप अपने नेटवर्क डेवलप कर सकते हैं। कंडक्टिंग इंटरव्यूज, इस्टेब्लिश रेपर, डिलीवर योर वन मिनट सेल्फ सेल, आस्क प्रिपेयर्ड क्वेश्चन, गेट एडिशनल कॉन्टेक्ट फॉर योर नेटवर्क, आस्क योर कॉन्टेक्ट हाउ यू माइट हेल्प दैम, फॉलो अप, सेंड थैंक यू नोट्स, गिव स्टेटस रिपोर्ट, मेंटेन योर नेटवर्क। सो दीज आर दी स्ट्रेटजीज और स्टेप्स टू कंडक्ट दी नेटवर्किंग इंटरव्यूज। देन डियर स्टूडेंट्स, दीज आर दी डिस्कशन क्वेश्चन, वॉट इज इन्फ्लुएंस एंड वॉट आर डिफरेंट टेक्निक्स, हमने डिस्कस की डिफरेंट इन्फ्लुएंसिंग टेक्निक्स की बात की, टेक्टिक्स की बात की, पावर की बात की। पावर इज अ गुड और बैड, इट्स अ कंट्रोवर्शियल टर्म, बट पावर इज अ गुड अगर आप यूज करें उसे अच्छे पर्पज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए, तो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों के बिहेवियर को। लीडर इन्फ्लुएंस करता है थ्रू हिज पावर, और डिफरेंट काइंड ऑफ पावर है। विच टाइप ऑफ पावर एन इफेक्टिव लीडर मस्ट ऑफन यूज, तो डिफरेंट लीडर जो है डिफरेंट अप्रोचेज, डिफरेंट पावर्स यूज करते हैं, तो बेस्ट जो अप्रोच वही है कि बेस्ड ऑन दी जो है फॉलोवर्स, किस काइंड के फॉलोवर्स हैं, और बेस्ड ऑन दी गिवन सिचुएशन यूज की जाए। नॉर्मली जो है रेफरल जो है या पर्सनल जो अपील्स हैं, ये रिवार्ड पावर है, पनिशमेंट पावर है, तमाम पावर्स यूज होती हैं। नॉर्मली जब देखता है कोई इंडिविजुअल कि ये जो बंदा है मुझे जो दे रहा है और इन रिटर्न मैं उसे नहीं दे सकता, तो उस केस में जो पावर है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव भी होती है। इस नेटवर्किंग रियली मैटर्स, नो डाउट स्टूडेंट्स, इन टुडे वर्ल्ड, इन टुडे बिजनेस वर्ल्ड, नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एज वेल। तो इसके लिए आप सोशल लेवल स्किल्स डेवलप करें अपने। वॉट इज ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स में is a part of organization, is a fact of organization. Can organization eliminate organizational politics completely? So in my viewpoint the answer is no. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब भी लोग काम करते हैं, डिफरेंट माइंडसेट के लोग काम करते हैं, उनके डिफरेंट बैकग्राउंड्स होते हैं, कल्चर्स होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं, तो पॉलिटिक्स होती है, तो कम्प्लीटली इसको नहीं खत्म किया जा सकता, उसको मैनेज किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, मगर उसको कम्प्लीटली खत्म नहीं किया जा सकता। So, dear students, we now summarize the main topics
वी हैव डिस्कस इन दिस लेक्चर पोजीशन वर्सेस पर्सनल पावर की बात की. दो तरह की पावर होती है, पोजीशन की वजह से मिलती है, फॉर्मल जो मैनेजमेंट या आपको पोजीशन मिलती है या अथॉरिटी मिलती है इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आपकी पोजीशन की वजह से वो पावर होती है तो उसे पोजीशन कहते हैं. पावर, पर्सनल पावर जो आपकी अपने जो लीडर की अपनी जो पर्सनल एबिलिटीज क्वालिटीज होती हैं उसकी वजह से जो होती हैं, जिसमें रेफरेंट पावर भी है. डिफरेंस अमंग लेजिटिमेट रिवॉर्ड कोर्सिव एंड रेफरेंट पावर की हमने डिटेल से डिस्कस किया. रिलेशनशिप ऑफ पावर एंड पॉलिटिक्स क्या है, पावर एंड पॉलिटिक्स बोथ आर वर्क टूगेदर. तो पॉलिटिक्स लोग करते हैं टू गेन अ पावर एंड यूज अ पावर. सिमिलर यूज ऑफ मनी एंड पॉलिटिक्स स्टेप्स इन नेटवर्किंग प्रोसेस. तो नेटवर्किंग जो है इज वेरी एसेंशियल टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल पर्सनल गोल्स, प्रोफेशनल गोल्स और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए नेटवर्किंग बहुत जरूरी है. तो इंडिविजुअल को जो इसके हमने डिस्कस किया क्या क्या स्टेप्स हैं जिसमें हम नेटवर्किंग प्रोसेस को अपने नेटवर्किंग अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट, हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नेगोशिएशन पे, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. आज मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.